पेश किए गए बजट को प्रदेश सरकार में आयुष एवं खेल मामले मंत्री यादविंदर सिंह गुमा ने ऐतिहासिक करार दिया है। युवा खेल व आयुष मंत्री यादविंदर गुमा ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने दूसरे बजट में प्रदेश के सभी वर्गों का ध्यान रखा है और प्रदेश के सभी वर्गों को राहत पहुंचाने का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नई खेल नीति को मंजूरी दी है। जगह जगह स्टेडियम बनाने सहित सभी वर्गों के खिलाड़ियों को मिलने वाले भत्तों व इनाम राशि में वृद्धि का युवाओं के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। वहीं मंत्री गुमा ने भाजपा द्वारा लगाए जा रहे कांगड़ा के देखी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री ने समूचे प्रदेश का ख्याल रखा है। कांगड़ा में हवाई अड्डे विस्तारीकरण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया है। किसी की भी तरह अनदेखी नहीं की गई है, अनदेखी भाजपा के दिमाग में है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का धन्यवाद भी करता हूं और प्रदेश के मुखिया ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को अपने दूसरे बजट के ऊपर भी अपनी ओर से बधाई देता हूं और इस बात की भी उनको मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं कि जिन्होंने हर वर्ग का जो है इस बजट में ख्याल रखा है और इस बार जो बजट है किसानों की आय को बढ़ाने के लिए किसान जो गांव में हमारा किसान बैठा है उसको भी आगे ले जाने का सरकार ने जो है वो प्रयास किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने गांव स्तर पर जो है काफ़ी कल्याणकारी योजनाएं जो हैं उसको जो है वो लागू किया है। अगर आप मानदेय देखें तो विभिन्न मानदेयों के बढ़ने से लेकर जो हमारा DA काफ़ी पिछली सरकार के समय से लंबित पड़ा था उसको पूरा करने के साथ साथ प्रदेश में अनेक कल्याणकारी योजनाएं जो हैं उन्होंने लागू करने का अपनी ओर से प्रयास किया है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की उनके विधायकों की बात है, उनके हमारे जो विपक्ष के लोग हैं उनकी बात है, तो मैं आपके चैनल से माध्यम से बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का आचरण आज माननीय मुख्यमंत्री जी के बजट स्पीच के दौरान उनका था, तो मैं नहीं समझता हूँ कि कभी पूर्व की सरकारों में और पूर्व के समय में ऐसा व्यवहार किसी ने किया होगा। और बात बात के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी के अभिभाषण के समय बीच में जो है वो उनको डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास कर रहे थे। अगर उनको कोई बात पसंद नहीं आ रही थी तो मैं समझता था कि ये बातें जो हैं उनको अब 3-4 दिन लगातार उनको सुना जाना था, पक्ष और विपक्ष के लोगों ने सबने कहना था, तो मैं समझता हूँ कि उन लोगों को उस समय जो है ये बातें रखनी चाहिए थी। लेकिन आज जो जिस तरीके से डिस्ट्रैक्शन का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने के विधायकों ने सदन के अंदर किया अभिभाषण के दौरान, मैं समझता हूँ कि इनको भी अपने मर्यादित जो है वो रहना चाहिए। और ये भी इस माननीय सदन के विधायक रहे हैं, पहले भी सरकार के समय कई इसमें विधायक सीनियर लोग भी रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस आचरण को जो है उनमें सुधार लाना चाहिए। और रही बात विरोध करने की, तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष का काम जो है वो विरोध करना होता है और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने आर्थिक संकट होने के बावजूद भी जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले वर्ष से लेकर इस वर्ष तक हमने जितना रेवेन्यू कमाया है उसके अनुरूप ही जो है इस बार जो है कल्याणकारी योजनाएँ प्रदेश में जो है उन्होंने बजट में जो है उनका प्रावधान किया है। चाहे आप देखें DA की बात हो, पेंशन होल्डर्स की बात हो, या विधायकों के लिए जो राशि बढ़ाई है, अन्य जो भी हमारे कार्यक्षेत्र के काम हैं प्रदेश हित में जो है उन्होंने अपनी ओर से प्रयास किया है कि इस बजट में जो है उसको जो है वो पूरा किया जाए।